हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज आपके टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए मैथ का जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है उसका 1.3 लेकर आए हैं। 1.2 का उस तक आपको हम दे दिए हैं, 1.3 आज लेकर आए हैं और 1.3 का सॉल्यूशन हम आज देंगे। इसमें आपके जो कुछ भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हमने उसका पीडीएफ भी दे देंगे और उसको हल करके दिखाएंगे कैसे कैसे है, सारी चीज़ें दिखाएंगे। बस आपको वीडियो देखना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर देना है। और आपको इस सारे पार्ट्स को देखना है, जो भी पार्ट्स हमने अभी तक डाले हैं तो आपको जा करके प्लेलिस्ट में चेक की लीजिएगा, मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ हम आपको दे देंगे। तो देर नहीं करेंगे, हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और एक सूचना कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आइए चलते हैं, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है आपका पेज, ये आपका एक्सरसाइज बहुत ही छोटा है। तो इसमें जो कुछ भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर किया गया है और हल किया गया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सामने इसे हमने एडिट किया है, आपका ये पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ को हम कमेंट करेंगे तो इसको हम पीडीएफ का लिंक भी दे देंगे, उसको पीडीएफ लिंक बनाना पड़ेगा। बाकी तो आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर्स और सोल्यूशन आपका हाई स्कूल का पूरा है इसमें। तो देर नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन का है, सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आपको उत्तर में सॉल्यूशन में आपको पूरा हल करके दिखाया गया है कि माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। रूट फाइव एक परिमेय संख्या, हम मान लिए रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना रूट फाइव परिमेय संख्या जो होती है उसको आप एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज कर सकते हैं, अंश और हर में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर चेंज किया गया है। तो इसको आप इस तरह चेंज कर सकते हैं, जो कि बी आपका जो हर होता है, हर आपका क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल जीरो, वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। आप किसी भी परिमेय संख्या को उसमें चेंज करने के लिए, उसमें एक परिमेय संख्या समझने के लिए अंश और हर में होना ज़रूरी है कि उसका कोई अंश हो, उसका कोई हर हो। तो इस तरह से, लेकिन हर जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम परिमेय संख्या रूट फाइव को हमने मान लिया, ठीक, परिमेय संख्या है जहाँ ए और बी पूर्णांक है तथा ए बी में ए के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गया। अब ए बराबर रूट फाइव अगर हम इसको हल करते हैं, ये अगर यहाँ ए छोड़ेंगे यहाँ पर तो बी इधर जाएगा, इस तरह पक्षांतर किए तो बी फाइव के बगल जाएगा, तो इस तरह से हल हो जाएगा। पर अगर हम ए दोनों का हम वर्ग कर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, कहने का मतलब इसको अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और फाइव का अंडर रूट तो हट जाएगा, क्योंकि फाइव फाइव का आपका जो स्क्वायर होगा 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। वैसे भी आप समझ सकते हैं किसी भी संख्या का अगर अंडर रूट हो, किसी भी संख्या का अगर अंडर रूट है तो उस संख्या का वर्ग, मतलब उस संख्या का स्क्वायर अगर किया जाए, इस संख्या का स्क्वायर किया जाए तो हमेशा स्क्वायर से अंडर रूट हटा दीजिए, जो संख्या बचती है वही संख्या लिख दीजिए। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और जैसे कि अंडर रूट आपका 6 है और इसी का स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर है तो आप इसको इससे इससे ख़त्म कर सकते हैं, यानी 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप जानते ही हैं कि आपको स्क्वायर करेंगे तो जैसे 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर 25 होगा, 25 बनेगा तो 5 उसका वर्गमूल आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन आप जैसे भी समझ सकते हैं कर सकते हैं। तो समीकरण एक बन गया, ये आपका पहला, ये समीकरण एक बन गया यहाँ पर। उसके बाद अतः 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 कामा ए को
विभाजित करेगा, यानी पाँच जो है वो ए को विभाजित करेगा। ये समीकरण दो आपका बन गया। अब माना ए बराबर पाँच के, जहाँ के कोई पूर्णांक नहीं है, कि आपको कोई पूर्णांक नहीं लेना है ए बराबर पाँच के, तो कि आपका कोई पूर्णांक नहीं बनाना है, मतलब नहीं लेना है। तो समीकरण एक में एक मान रख, एक मान जो फाइव के इनकला हुआ है इसको हम एक जगह रख देंगे, किसमें, समीकरण एक में। समीकरण एक ये है आपका, इसमें ले जा करके हम रख देते हैं। तो एक मान जब रख देंगे हम पूरी तरह से, तो आपका इस तरह से हो जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है, फाइव के स्क्वायर बराबर फाइव बी स्क्वायर, फाइव के स्क्वायर और फाइव, तो आपका इधर देख रहे हैं फाइव, फाइव के बराबर बी स्क्वायर आ गया, फाइव के स्क्वायर मतलब बी आ गया। तो इस तरह से हल किए हम, हल करने से ये पता चलता है कि अतः फाइव बी को विभाजित करता है, फाइव बी को विभाजित करता है। तो इसलिए फाइव बी को विभाजित करेगा, ये समीकरण तीन में मतलब कहा गया कि फाइव बी को विभाजित करेगा। इस प्रकार समीकरण दो तथा तीन से यह पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड पाँच है, जो हमारी कल्पना ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है, या विरोधाभास हमारी त्रिपुरी कल्पना के कारण है, और पाँच जो है अंडर रूट पाँच जो है रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, अतः रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम ये निर्णय ले सकते हैं। तो इसको हम बहुत डिटेल में हल करते हैं, पर इतनी सुविधा भी हमारे पास नहीं है कि हम आपको हल करके बताएं, क्योंकि इसके लिए हमको एक इलेक्ट्रिक चीज़ लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक जो होते हैं पढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपकी अगर हेल्प रहेगी, आप सबकी कृपा रहेगी, तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो बस आप इस तरह से आप समझते रहिए, जो कुछ भी बता रहे हैं बस आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आप समझ लीजिएगा, नहीं तो कमेंट कीजिए और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में आपको जो दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 रूट फाइव ए का परिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपको जैसे इसमें हर किया मानना है, मानना है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में आप जानते हैं कि एक अंक संख्या हर होना चाहिए, सेम टू सेम उसी तरह हल करना है। टोटल और गुणनखंड में देख रहे हैं कि ए बी एक पूर्णांक है और ए बी में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो इस तरह से हल कर लेंगे हम। यहाँ पर हल किया गया है पूरी तरह से, आपको क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, आप उसको पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर आपका हल किया गया है, ये सारा चीज़ ये हल किया गया है, सेम टू सेम उसी तरह हल करना है जैसे पहला क्वेश्चन हल किया गया उसी तरह हल करना। तो आप इसको हल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं हम आपको दिखाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, सेम टू सेम उसी तरह हल करना है। बस इसमें है कि मानना है आपको उसी तरह कि एक को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मानने के बाद आपके परिमेय संख्या के रूप में आपको मानना है, और उसका पहला उभयनिष्ठ गुणनखंड तो कोई नहीं, एक कहते हैं कोई गुणनखंड नहीं होगा, सब कुछ उसी तरह करना है, शेयर सारा प्रोसेस वही, आपको वर्ग पक्षों दोनों पक्षों को वर्ग करना है और उसको उसकी विभाजित संख्या निकालना है, लास्ट में जाकर रख देना है, सारी चीज़ें उसी तरह करना है। देख रहे हैं सेम कंडीशन वही है, बस आपको एक क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, जैसा कि देख रहे हैं 7√5, इसको आपको सिद्ध करना। 7√5 सेम वही एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, और उसको बाद उसको अंश और हर में चेंज करने के बाद परिमेय संख्या बना लेते हैं, लास्ट में हम उसी तरह कंडीशन निकाल लेंगे। तो आपका ये तीसरे से आपका ये क्वेश्चन है, 6+2 5 को आपको हल करना है, सारी कंडीशन वही चीज़ें हैं, आपको उसी तरह हल करना है। देखिए इसको हम पूरा डिटेल बताने में टाइम लगेगा, इसलिए आप जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को, जिससे बड़ा ना हो पाए और हम जल्दी से जल्दी और वीडियो भी डाल सकें, क्योंकि अभी आपको ये पूरी एक्सरसाइज सभी एक्सरसाइज पूरी करने, बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने हैं सारे सब्जेक्ट्स के, इंटर के सिलेबस के, आप इंटर में जो कोई भी हो लड़के आपकी तरफ बता सकते हैं, इंटर्स की केमिस्ट्री की हम नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना शुरू कर दिए हैं, पहले चैप्टर वाइज आपका पहला अभ्यास, फिर दूसरा अभ्यास, फिर तीसरा अभ्यास, इसी तरह से सारे अभ्यास को एक बार कवर कर लेंगे। उसके बाद आपका जैसे परीक्षा नज़दीक आता है उसके दिन केवल एक ही
वीडियो में हम अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी इन सारे प्रश्नों को हम अलग अलग करके डाल देंगे पूरे अभ्यास से, पूरे मतलब अध्याय से, सारे अध्याय सारी इकाई को हम कंबाइन करके उसमें से लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी सारे कुछ पार्ट और डाल देंगे अलग से। लेकिन पहले हम चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अधिकतर आपको 100% ही मान के चलिए उसमें से आपको एक दो क्वेश्चन मिलने हैं। तो आप इसको जाके अपने इंटर के दोस्तों को बता सकते हैं और आप भी इस नोट्स को बना लीजिए और आप इसका वीडियो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको भी दे देंगे और इसमें आपको जो हाई स्कूल में और सारे होते हैं उन सबके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। बस टाइम आते ही रहेंगे, जैसे जैसे हम सोच रहे हैं कि इसको कवर करा दें इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आप जैसा कि समझते हैं कि हमारा चैनल टेक्नो प्लस स्टडी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये चीज़ यहाँ पर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे और आप लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं डिसलाइक कीजिए, क्योंकि जो भी व्यूअर्स होते हैं उनके मन की जो भी भावना कहती है उसे करें। चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और वीडियो को यहीं करेंगे एंड। बाकी अगली जल्दी डेली वीडियो अब अपलोड होती रहेगी, बस आप वेट करते रहिए सारे सिलेबस की और इंटर हाई स्कूल संबंधी और मोबाइल और टेक्निकल संबंधी वीडियोज पढ़ती रहेगी। जैसे भी स्टूडेंट चाहते हैं, एक स्टूडेंट मोबाइल और कंप्यूटर भी चलाता है तो उसकी ज़रूरतों के हिसाब से मोबाइल और कंप्यूटर कैसे हैंडल किया जाए, कैसे क्या चीज़ें करना चाहिए, उसकी भी वीडियोज मिलती रहेंगी और स्टडी संबंधी वीडियो, इसलिए टेक्नो प्लस स्टडी चैनल आपको सहायता प्राप्त करता रहेगा। चलिए कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगा हो और चाहते हैं कि ये वीडियो आप दूसरे अपने मित्रों को अपने रिलेशन को भेजना चाहते हैं तो आप भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों को जोड़ लीजिए। इस तरह की वीडियो हम देते रहेंगे और हाई स्कूल इंटर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी जल्दी से वीडियो डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम इंटर के आपके केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहेंगे, वो अध्याय एक एक अध्याय करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, उसके बाद लास्ट में हम कुछ कलेक्शन देंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, लेकिन हम एक एक करके देंगे। बहुत जल्दी इंटर का हम सोल्यूशन डाल रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए, हम बहुत जल्दी आपको इंटर का सोल्यूशन देंगे। तो आपको अगर वीडियो में कुछ मिला हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है आप मत कीजिएगा। पर वीडियो और भी वीडियो बहुत हैं, मोबाइल और टेक्निकल संबंधी वीडियो चाहिए तो उसको भी मिल जाएंगी, वो सारी वीडियो हम रखे हैं और जगह प्ले लिस्ट कीजिए, बहुत सारे मोबाइल और कंप्यूटर संबंधी वीडियोज हैं। तो आप मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए, मोबाइल सारी वीडियो की जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलेंगे और वीडियो को यहीं करेंगे एंड। अगला नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए दीजिए संतोष कुमार को इजाजत और बने रहिए टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।